सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो देख सकते हैं आज मैं दिखाने वाला हूं आपको पैकेज फर्स्ट दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का। स्टार्ट होता है आपके अक्षरधाम से और ये एंड होगा जाके आपका बागपत वाले फ्लाई ओवर पर, यानी कि ईस्टर्न पेरीफेरल पर जाके। आपको बता दूँ कि जो दिल्ली का पार्ट है वो रहेगा एलिवेटेड और उसके बाद में ये हो जाता है ग्राउंड लेवल पर आ जाएगा दोस्तों। देख सकते हैं अभी फ्लोरिंग का काम चल रहा है यहाँ पर, ये प्लग स्टैंड किए जा रहे हैं ज़मीन में नीचे पाइल करके। तस्वीर आप लोग देख सकते हो, पाइल मशीन वो खड़ी हुई है और ये इंडियन रेलवे की पैसेंजर ट्रेन जा रही है दोस्तों। ये देख सकते हैं ये निकलती हुई जा रही है। और आपको बता दूं जो पायल नीचे ज़मीन में जो डाले जाते हैं रिंग, वो रिंग रखे हुए हैं बना बना कर। देख सकते हैं किस तरीके से ये रिंग डाले जाते हैं, ये ज़मीन के अंदर रिंग डाले जाते हैं कितने लंबे चौड़े, ये देख सकते हैं। ये पायल मशीन लगी हुई है और आपको बता दूँ ये है फ्लाईओवर जो अक्षरधाम से आगे की साइड में, यानी कि इंडियन रेलवे द्वारा बनाया गया है ये। और इससे जैसे ही हम आगे को निकलेंगे देख सकते हैं ये तस्वीर, और हम चल रहे हैं अब गीता कॉलोनी और आपका गांधीनगर होते हुए निकलेंगे शास्त्री पार्क के लिए। तो आप लोग वीडियो देखते रहो, एंजॉय करो, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस में आप लोगों के बीच में कंटिन्यू लाता रहता हूं और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं दोस्तों। तो देख सकते हैं हम चल रहे हैं अभी, और आगे आपको देखने के लिए मिलेगा एक तो आपका चला जाता है ये आपका आईटीओ के लिए, ये आईटीओ के लिए चला जाता है, और इधर प्रीत बिहार लक्ष्मी नगर के लिए चला जाता है। देख सकते हैं ये आईटीओ राजघाट के लिए इधर चला जाता है ये लेफ्ट में, और बिल्कुल हम सीधे सीधे चलेंगे दोस्तों। तो गीता कॉलोनी आएगी पहले, फिर उसके बाद में गांधीनगर आएगा, गांधीनगर को क्रॉस करने के बाद में फिर दिल्ली का पुराना ब्रिज आएगा लोहे का, तो वो भी आप लोगों को देखने के लिए उधर से ये घूमता हुआ निकल रहा है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे। बहुत तेज़ी के साथ में इस पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो अभी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में दिखाया था उससे, तो अब की बार बहुत तेज़ी के साथ में वर्क चल रहा है। तो कहीं आपको बता दूं कि कहीं कहीं गीता कॉलोनी की जो रेड लाइट है उस पर फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, और फ्लाईओवर जैसे ही बन जाएगा फिर उसके बाद में इस पर एलिवेटेड पार्ट बनने का काम चल रहा है। पाइल मशीन लगी हुई है, पिलर स्ट्रक्चर खड़े कर दिए गए हैं, फाउंडेशन बनाया जा रहा है, तो वो सब आप लोगों को आगे देखने के लिए मिलेगा। और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए केपी संत को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो हर जगह दोस्तों। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं आगे चल के। तो देख सकते हैं यहाँ से ये बनाया जा रहा है फ्लाईओवर, कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी, वर्क चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो ब्लैक टॉप को हो वो काटा जा रहा है, और काटे जाने के बाद में फिर इस पर जो साइडों में पैराफिट वॉल लगाए जाते हैं वो लगाए जा रहे हैं अभी इस टाइम पर, तो देख सकते हैं। और यहाँ से ये गीता कॉलोनी स्टार्ट हो जाता है दोस्तों, स्लो डाउन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा इस टाइम पर। तो किस तरीके से ये स्टैंड किया जा रहा है आप लोग खुद ही देखेंगे, क्योंकि रोड को भी स्टैंड किया जा रहा है, और इस पर अभी एलिवेटेड पार्ट भी बनेगा क्योंकि यहाँ पर यह फ्लाईओवर दिया गया है।
क्योंकि यहाँ पर रेड लाइट है आगे, और रेड लाइट को ही क्योंकि गीता कॉलोनी के लिए चला जाता है, तो इस वजह से यहाँ पर यह फ्लाईओवर दिया गया है दोस्तों। तस्वीर आप लोग देख सकते हो अपनी आंखों से, क्योंकि तेजी के साथ में इस पर अब कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे, जो कि 200-250 किलोमीटर का होने वाला है ये। और आप लोगों को जैसे जैसे वीडियोस आते रहेंगे आप लोगों के पास में, वैसे ही आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो देख सकते हैं ये यहाँ पर ये ब्लैक टॉप काटा जा रहा है, ये जेसीबी मशीन चल रही है, क्योंकि ये जो बीच के पार्ट हैं इसमें जो बीच का डिवाइडर था, ये देख सकते हैं ये रेड लाइट है, और इसी को क्रॉस करवाया जाएगा फ्लाईओवर द्वारा, इसी वजह से यहाँ पर ये फ्लाईओवर बनाया जा रहा है गाइस। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो कि दोनों साइड में ये कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, और इस पर देखो काटा जा रहा है ये, और जो बीच का डिवाइडर है इस पर जितने भी पेड़ पौधे थे वो भी काटे जा रहे हैं, और काटे जाने के बाद में फिर इस पर ये पेड़ पौधे स्टैंड किए जा रहे हैं दूसरी साइड में, दूसरी जगह ये लगाए जा रहे हैं, यहाँ से हटाए जा रहे हैं। तो यही अभी वर्क चल रहा है, आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। देख सकते हैं तेजी के साथ में यहाँ पर ये फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, ये सारा ऊपर का जो तामझाम है वो हटा दिया जाएगा। आगे जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ से हम निकलते हुए चलेंगे आप लोगों को दिखाते हुए दोस्तों गीता कॉलोनी और गांधीनगर का, वहाँ पर कितना कुछ वर्क चल रहा है। तो देख सकते हैं अभी तेजी के साथ में कंस्ट्रक्शन चल रहा है इस रूट पर, क्योंकि पहले इस पर नहीं चल रहा था, वो चल रहा था शास्त्री पार्क से स्टार्ट होता है और अखीर लास्ट तक यानी कि ईस्टर्न पेरिफेरल तक ये आपका लोनी होते हुए पुस्ता होते हुए उधर ही वर्क चल रहा था, लेकिन अब इधर भी तेजी के साथ में वर्क चल रहा है, क्योंकि जो अक्षरधाम है उसके पास में ही अभी कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं चल रहा, बीच बीच में भी नहीं चल रहा है, बाकी तो हर जगह ही चल रहा है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये फ्लाईओवर आ चुका है, फ्लाईओवर को भी क्योंकि चौड़ा किया जा रहा है, क्योंकि दोनों साइड में अभी इसका पाइलिंग किया जाएगा, और पाइलिंग कर देने के बाद में फिर फ्लाईओवर बनाया जाएगा दोनों साइड में गाइस, क्योंकि आगे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस में आप लोगों के बीच में कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड लाता रहता हूं, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा केपी संत के चैनल को सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा देखो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि मैं आप लोगों को दिखाता और बताता रहता हूँ रिसेंटली कई। दोस्तों जैसे हम इस रेड लाइट को क्रॉस करेंगे तो देख सकते हैं बीच में ये पेड़ खड़े हुए हैं, क्योंकि इनको अभी ऊपर से काटा जाएगा, फिर इनको उखाड़ के और दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। तो अभी यही वर्क चल रहा है, और आगे जैसे जैसे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा तो वैसे वैसे यहाँ के देख सकते हैं ये पेड़ काट दिए जा चुके हैं, और इनको जो बड़े बड़े पेड़ हैं उनको उखाड़ के और दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, आगे बस ये डिवाइडर हटाया जा रहा है, और इस डिवाइडर को हटा देने के बाद में फिर इस पर पाइल किया जाएगा, पाइल करने के बाद में फिर इस पर फाउंडेशन बनाया जाएगा, फिर पिलर का स्ट्रक्चर ऊपर खड़ा किया जाएगा, जैसे कि इस तरीके से यहाँ पर किया जा रहा है। देख सकते हैं दोनों साइड में अभी रोड को भी स्टैंड किया जा रहा है, क्योंकि चौड़ा किया जा रहा है, क्योंकि 6 लेन का ये एलिवेटेड रोड बनेगा, और 6 लेन का ही नीचे रहेगा, यानी कि 12 लेन का ये एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, और 13,000 करोड़ की लागत से ये दोस्तों आपको बता दूँ ये
देहरादून एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। और आपको बता दूं एक्सेस कंट्रोल्ड ये एक्सप्रेसवे होने वाला है, क्योंकि आप लोग देहरादून के लिए ना जाम में फंसते हुए आप लोग एलिवेटेड का सहारा लेकर सीधा आपको दिल्ली क्रॉस कराया जाएगा। और नीचे जो दिल्ली में आने जाने वाले हैं जो लोकल पब्लिक है उसके लिए नीचे का रहेगा, और एलिवेटेड पार्ट वो देहरादून जाने वालों के लिए रहेगा दोस्तों। तो देख सकते हैं यहाँ पर फाउंडेशन क्लियर कर लिया, कहीं कहीं फाउंडेशन का काम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, कहीं कहीं फाउंडेशन बनाया जा रहा है। देख सकते हैं ये रहा, ये पिलर का फाउंडेशन बनाया गया, और इसके अंदर नीचे ज़मीन के अंदर चार पिलर का होल किया गया, फिर उसके ऊपर एक पिलर बनाया जा रहा है, क्योंकि इस पर बाहर बहुत भारी भरकम रहेगा। तो इस वजह से ही देखो ये पिलर का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया है, इस पर रिंग लगाए जाने, रिंग लग जाने के बाद में फिर इस पर कॉन्क्रीट भर दिया जाएगा, फिर इस पर पियर कैप लगाया जाएगा, और पियर कैप लग जाने के बाद में फिर इस पर दोस्तों गाटर लॉन्चिंग की जाएगी। गाटर लॉन्चिंग हो जाने के बाद में इस पर फ्लोरिंग किया जाएगा, और फ्लोरिंग कर देने के बाद में पैराफिट वॉल लगाया जाएगा, फिर इस पर ब्लैक टॉप किया जाएगा, तब जाके ये एक्सप्रेस वे कम्प्लीट होगा। गाइस तस्वीर आप लोग देख सकते हो, और ये है गीता कॉलोनी और गांधीनगर की तस्वीर है गाइस, क्योंकि गीता कॉलोनी ही चल रहा है, उसके सामने का पार्ट है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो वैसे आप लोगों को गांधीनगर स्टार्ट हो जाएगा। गांधीनगर और गीता कॉलोनी के बीच में ही ये सारा वर्क चल रहा है तेज़ी के साथ में, क्योंकि पहले इतना पायल नहीं चल रहा था, पहले इतना काम भी नहीं था। आप लोग मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना आप लोग, मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा आप सभी को, आप लोग जाके देख लेना दोस्तों, क्योंकि मैं ऐसे ही अपडेट्स आप लोगों के बीच में लाता रहता हूँ और आप लोगों को दिखाता रहता हूँ कि कहाँ कितना NCR के अंदर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, कहाँ कंप्लीट हो चुका है, कितना कंप्लीट हो गया, कहाँ कहाँ चल रहा है, बस यही सब मैं आप लोगों को दिखाता और बताता रहता हूँ दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा KP संत के चैनल को सपोर्ट करो गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक शेयर करो हमारे चैनल को। आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और ऐसे ही वीडियोज़ मैं लाता रहता हूँ। तो देख सकते हैं ये गांधीनगर की ये रेड लाइट आ जाती है, और दोनों साइड में देख सकते हो अभी ये ज़मीन को, ये जो मिट्टी पड़ी हुई है लेफ्ट हैंड की, इसको काटा जा रहा है, और काटने के बाद में फिर इसके बीच में भी अभी जो पाइल मशीन है वो भी लगेगी। और आपको बता दूं आगे का पार्ट्स को इसको अभी क्रॉस कराया जाना है, ये क्रॉस भी करेगा क्योंकि अभी इस पर वर्क चलेगा, क्योंकि यहीं से ये घूम जाएगा राइट में। तो आगे देखो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा पुराना लोहे का पुल 249, यानी कि 249 पहला ब्रिज है दिल्ली का जो यमुना के ऊपर बनाया गया था गाइस पहला, और ये 150 साल पुराना है, देखो वो सामने चमक रहा है। और उससे पहले ही हम यहाँ से कट हो जाएंगे शास्त्री पार्क के लिए दोस्तों, देख सकते हैं ये रेलवे लाइन के लिए बनाया गया था, ये रेलवे ऊपर रेलवे लाइन चलती है और नीचे आम पब्लिक चलती है। तो ये नया वाला स्टैंड किया जा रहा है, ये सन 2003 से पेंडिंग पड़ा हुआ है, अब जाके थोड़ा सा वर्क इस पर अभी चल रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ का अब देखो पीछे निकल गया, अब चल रहे हैं हम आगे शास्त्री पार्क के लिए। तो देख सकते हैं ये रेड लाइट है, ये सारी रेड लाइट ख़त्म की जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर ये मेट्रो की लाइन भी जा रही है, और आपको बता दूं कि इस पर इंडिया रेलवे की भी लाइन गुजर रही है, तो उसको ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे क्रॉस कराया जाना है। और तस्वीर आप लोगों को दिखाऊँगा अभी कि आगे जो ये देख सकते हैं ये मेट्रो की लाइन जा रही है, इसको भी अभी क्रॉस कराया जाएगा। अब ये नहीं पता है कि नीचे से क्रॉस करेगा या ऊपर से इसको क्रॉस कराया जाना है, वो आप लोगों को अगले वीडियोस में देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो ये देखो ये रेड लाइन जा रही है, इस रेड लाइन को भी अब या नीचे से क्रॉस करना पड़ेगा या ऊपर से, जैसा भी होगा, क्योंकि आगे मुझे नहीं लग रहा कि ये ऊपर से ही क्रॉस कराया जाएगा, तो वो आप लोगों को आगे जो वीडियोस आने वाले हैं उनमें देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग बताओ कैसा लगा वीडियो, और हमें लाइक शेयर कमेंट करना ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस, मिलते हैं किसी नई वीडियो।